नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश राफ्टिंग से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देने वाला हूं। 27 सितंबर को मैं ऋषिकेश आया था तो मुझे राफ्टिंग शुरू होने की जानकारी मिली। यही पता करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना उस स्थान पर जाकर देखें जहां से राफ्टिंग शुरू होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर उस स्थान पर मैं जाऊंगा जहां से राफ्टिंग शुरू होती है। उसके साथ साथ अगर राफ्टिंग शुरू हो चुकी है तो उसकी सभी जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे राफ्टिंग के प्राइस में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, राफ्टिंग के नए नियम क्या हैं, एक बोट में कितने लोग बैठ सकते हैं, राफ्टिंग कौन कौन से स्थानों से शुरू हो चुकी है, क्या पर्यटक राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं या सिर्फ राफ्टिंग शुरू हुई है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ऐसी सभी जानकारी मैं आपको उस स्थान से दूंगा जहां से राफ्टिंग शुरू होती है। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए ज़रूरी होंगी। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो और जानकारी लाता रहता हूँ। अब शुरू करते हैं। अब हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है। दोस्तों, चलते हैं और राफ्टिंग के लिए देखते हैं कि राफ्टिंग के लिए कितने लोग वहाँ पर आए हुए हैं और राफ्टिंग शुरू हुई है या नहीं, क्योंकि ऋषिकेश में मुझे पता चला था कि राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देख ले तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो समय है उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलते हैं। दोस्तों, फिलहाल हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां से राफ्टिंग शुरू होती है, और मुझे जो यहां दिखाई दे रहा है उससे तो यही लग रहा है कि राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, और क्योंकि यहां पर बहुत सारे बोट भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो राफ्टिंग की ड्रेस में हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर राफ्टिंग की तैयारी चल रही है, इसका मतलब ऋषिकेश में राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, और राफ्टिंग की जो भी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। राफ्टिंग के चार्ज बढ़े हैं या घटे हैं क्योंकि कोरोना के काल के बाद, वो सारा देखना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि राफ्टिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर से मैं फूल चट्टी पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राफ्टिंग आज के दिन से शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, जैसे ही राफ्टिंग शुरू हो जाएगी मैं आपको वहाँ की जानकारी दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये राफ्टिंग फूल चट्टी से और ऋषिकेश के और भी बहुत सारे स्थानों से राफ्टिंग शुरू हो चुकी है। ये बहुत सारी बोट यहाँ पर तैयार की जा रही हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, और अब एक बार कह सकते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटक फिर से आने लगे हैं, और जो भी एडवेंचर के शौकीन लोग हैं वो अब उत्तराखंड आ सकते हैं, ऋषिकेश आ सकते हैं और राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। ये फूल चट्टी है जो कि ऋषिकेश से लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे है, और अब देख सकते हैं लगातार बोट यहाँ पर आ रही है और राफ्टिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये देख सकते हैं
ये राफ्टिंग के लिए बोट ले जाते हुए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी बोट भी रखी हैं और यहाँ के भी आप देख सकते हैं, और ये और जो भी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक बोट में 4 लोग ही राफ्टिंग कर सकते हैं। एक बंदा वो होगा जो राफ्टिंग की तरफ से होगा, जो आपको गाइड करेगा, और बाकी 4 लोग एक बोट में जा सकते हैं। कुछ दिन पहले कोरोना से पहले एक बोट में 8 लोग तक जा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल एक बोट में 4 लोग ही अलाउ हैं। और फूलचट्टी से ब्रह्मपुरी से जो राफ्टिंग का चार्जेस है वो चार्जेस इस समय 600 रुपया है। 600 रुपये में आप राफ्टिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना से पहले भी जो राफ्टिंग का चार्ज था वो भी 600 रुपया था, और अब तो 4 लोग ही जाते हैं और किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसका मतलब इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, इससे पर्यटक लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब 8 लोग जाते थे तब भी इसका किराया यहाँ से राफ्टिंग करने का 600 रुपया था, और अभी चार लोग ही जाते हैं, अभी भी जो इसका किराया है वो 600 रुपया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं ये राफ्टिंग के लिए बहुत सारी बोट तैयार हैं, और आप कह सकते हैं कि ऋषिकेश में पर्यटक आने लगे हैं। दोस्तों जब भी आप राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश पहुंचते हैं तो राफ्टिंग से पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, अगर आप ठीक हैं तो ही आप राफ्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों राफ्टिंग लगभग सभी जगह से शुरू हो चुकी है, ब्रह्मपुरी, फूलचट्टी, शिवपुरी और भी बहुत सारे स्थान हैं, लगभग सभी जगह से राफ्टिंग शुरू हो चुकी है। ब्रह्मपुरी और फूलचट्टी से राफ्टिंग का जो चार्जेस है वो 600 रुपये है, और वहीं शिवपुरी से 1000 रुपया है, और चार्जेस में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद है ऋषिकेश राफ्टिंग से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसके साथ साथ वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।